हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल एक्स वाई जेड। फ्रेंड्स, आप लोगों को ये तो पता ही है कि श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत और जसप्रीत बुमराह ये तीनों प्लेयर चोटिल होने के कारण 2022 में जो एशिया कप हुआ था उसमें भी नहीं खेले थे और ना ही ये जो अभी 2023 में WTC हुआ, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, उसमें भी नहीं खेले। लेकिन फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें, जो 2023 में एशिया कप होने जा रहा है पाकिस्तान में, उसमें ये तीनों प्लेयर रिकवर होकर खेलेंगे, ये 100% कंफर्म है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि कुछ भारतीय खिलाड़ी लंबे वक्त से अपनी इंजरी से जूझ रहे हैं। इसमें विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत कार एक्सीडेंट के बाद अब तेजी से रिकवर हो रहे हैं। इसके अलावा टीम के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और बल्लेबाज श्रेयस अय्यर की बैक सर्जरी हुई थी। ये दोनों खिलाड़ी भी नेशनल क्रिकेट अकेडमी NCA में मौजूद है। पंत दिसंबर 2022 में कार एक्सीडेंट में गंभीर रूप से घायल हुए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक पंत इतनी तेजी से ठीक हो रहे हैं कि NCA स्टाफ भी उनकी रिकवरी को देखकर हैरान है। आगामी वर्ल्ड कप को देखते हुए पंत को तैयार किया जा रहा है। हालांकि कहा जा रहा है कि पंत इस साल मैदान पर वापसी नहीं कर पाएंगे। पंत ने हाल ही में बिना किसी सहारे के सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया है। आप लोगों को बता दें, पंत फिजियो रजनीकांत के अंडर अपने निचले और ऊपरी शरीर की गतिशीलता का बढ़ाने का अभ्यास कर रहे हैं। रजनीकांत काफ़ी अनुभवी फिजियो है और उन्होंने अतीत में हार्दिक पांड्या, मुरली विजय और बुमराह जैसे स्टार खिलाड़ियों की चोट से उभरने में मदद की है। वहीं NCA के एक और फिजियो तुलसी राम युवराज तब से पंत के साथ है जब से उन्हें एक्सीडेंट में मुंबई लाया गया था। आप लोगों को बता दें, इन चीज़ों से पंत को रिकवरी मिल रही है मदद। और फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें, पंत अपने रिहैब में एक्वा थेरेपी, हल्की स्विमिंग और टेबल टेनिस के जरिए खुद को फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। पंत ने आखिरी बार दिसंबर 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ खेले थे। वहीं अब उनकी वापसी कब होगी इसको लेकर आधिकारिक तौर पर अभी कुछ साफ नहीं है। और फ्रेंड्स, इंडियन टीम के लिए बहुत बढ़िया खबर निकल के आ रही है। बुमराह और श्रेयस अय्यर एशिया कप में कर सकते हैं वापसी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पेसर जसप्रीत बुमराह और दाएं हाथ के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर दोनों ही खिलाड़ी एशिया कप 2023 में वापसी कर सकते हैं। दोनों ही खिलाड़ी अपनी अपनी पीठ की चोट से जूझ रहे थे, जिसके बाद बुमराह ने न्यूजीलैंड और श्रेयस अय्यर इस साल खेली गई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बाद सर्जरी के लिए लंदन गए थे। बुमराह ने अपना आखिरी मैच सितंबर 2022 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 खेला था। बुमराह ने हल्की गेंदबाजी अब करनी शुरू कर दी है। मुख्यतः बुमराह की फिजियोथेरेपी चल रही थी, वहीं श्रेयस अय्यर की भी फिजियोथेरेपी चल रही है। इसके अलावा टीम के एक और तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा की भी सर्जरी हो चुकी है और वो भी रिहैब की प्रक्रिया कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि हो सकता है कि ये प्लेयर्स फिट हो जाए तो एशिया कप में खेलते हुए नजर आए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर इन्फॉर्मेशन हमारी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सपोर्ट जारी रखें।